हूँ, मेरा नाम बबन प्रसाद मौर्या है। मैं बलिया में भी डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मुझको वहाँ टीबी बता दिया। और मैं केजीएमसी में गया, लखनऊ में केजीएमसी में गया, तो वहाँ मुझको लोग दमा की दवा दे दिए। और जब मैं बलरामपुर हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में आया डॉक्टर यूसुफ अंसारी के पास, तो इन्होंने मुझको दवा किया। मैं मुझको 10 दिन में आराम हो गया और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आपका इलाज कितने दिनों से बलिया में चल रहा था? 3 महीने से। आराम मिला कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। मेडिकल कॉलेज में क्या बोला? मेडिकल कॉलेज बोला था कि आपको दमा है। ये हमारे पास पहली बार जब आए तो इनको डिज्नी और एग्जर्शन था, NYHA क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 और 3 में ये लैंड अप कर रहे थे। इनको बाइपेडल एडमा था, चेस्ट में बायलैटरल क्रैप्स था, बेसल क्रैप्स, एक्सरे में प्लूरल इफ्यूजन पेरिकार्डियल इफ्यूजन माइल्ड था, प्लूरल इफ्यूजन ज़्यादा था, पैरों में बायलैटरल फिटिंग एडमा था, चलने में इनकी बहुत बुरी तरह से सांस खुलती थी, किसी तरह से ये पकड़ करके ले आए इसी के साथ। फिर यहाँ पर एक्सरे करने के बाद ये हुआ कि इनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसा ऐसा लगा। इको किया गया, इको में इनका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी निकला, जेशन फ्रैक्शन 20% निकला, और इनको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन निकला, मतलब फेफड़े का ब्लड प्रेशर निकला, जिसका मेजरमेंट करने पर 51 mm ऑफ मर्करी था। इनका अकॉर्डिंगली हार्ट फेलियर का इलाज स्टार्ट किया गया। कितने दिन में आपको आराम मिला? 10 दिन। 10 दिनों में इनको आराम मिल गया। ये पिछले 2 महीने से फॉलोअप में बलिया से आते हैं लखनऊ। 3 महीने से बलिया से आते हैं और यहाँ से फ्री मेडिसिन सारी लेके जाते हैं बलरामपुर में, जो सारी अवेलेबल है। और ये संतुष्ट हैं आप? जी, ये संतुष्ट हैं और ये लगातार आते रहते हैं, बल्कि और लोगों को इन्होंने बलरामपुर हॉस्पिटल में भेजा दिया है। तो आप बलरामपुर हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलेंगे? थैंकफुल, धन्यवाद बोलेंगे। बलरामपुर हॉस्पिटल में इन्होंने थैंक यू बोला है, यहाँ के प्रशासन को थैंक यू बोला है, यहाँ के डॉक्टर्स को थैंक यू, यहाँ के स्टाफ को थैंक यू बोला है, और ये सेटिस्फाइड है, ये खुश है। अभी इनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इनका जेशन फ्रैक्शन 20% है। अब चूंकि ये गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा ये आ नहीं पा रहे, तो इनको मेडिसिन अवेलेबल करा देते हैं ताकि इनको आना न पड़े।